नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाला KTM RC 200 BS6 के बारे में। फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है और KTM की सारी गाड़ियां BS6 मॉडल में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन आज स्पेशली आज मैं बात करने वाला हूं RC 200 के बारे में। आपको इस गाड़ी में क्या अपडेट देखने को मिलता है, क्या चेंजेस देखने को मिलता है और क्या प्राइस पॉइंट में आती है, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। तो आखिरी तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर में होगा, उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर देना एंड उसके जहां बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो कोई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। सो दोस्तों, फाइनली KTM ने सारी गाड़ियों का अपने BS6 मॉडल लॉन्च कर दिया है और आज मैं बात करने वाला KTM RC 200 BS6। आपको BS4 की कंपैरिजन में BS6 में क्या देखने को मिलता है आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करो अगर डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, मेरा मतलब यह है कि कोई भी डायमेंशन वाइज कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन आपको नया देखने को मिलता है, बहुत रिफ्रेश देखने को मिलता है। जो RC की बैजिंग है वो आपको थोड़ी बड़ी देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा फील अलग आता है, थोड़ा सा रिच फील आता है, थोड़ा सा क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है पेंट स्कीम की। अपार्ट फ्रॉम दैट इस गाड़ी में कुछ भी चेंजेस नहीं है। इस गाड़ी में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा। इस गाड़ी की अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन सेम सिमिलर BS4 जैसा है। वही आपको दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है और प्लस DRS देखने को मिलता है। फ्रंट एंड की बात करूं काफी बोल्ड और बल्की देखने को मिलता है। फुल फेयर्ड बाइक है और स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक है। अब मैं बात करूं इसके साइड पैनल्स के बारे में, साइड पैनल्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी आपको शार्प एजेस देखने को मिलता है, वाइजर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, हैंडल बार देखने को मिलता है, स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, आपको मिलता है ऑरेंज व्हील्स जो कि देखने में और बेहतर दिखता है। अपसाइड डाउन फॉग इसको थोड़ा अलग बना देता है और मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करो तो वही रेगुलर इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बात होगी डिजाइन वाइज कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको कलर कॉम्बिनेशन नया देखने को मिलता है। बात करें इंजन की, तो इंजन वाइज भी कंपनी ने काफी अच्छा स्मार्टली वर्क किया है। ऑलरेडी फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है और BS6 वाले मॉडल में सिर्फ एक चीज अपडेट हुआ है, दैट इज कैथलेटिक कन्वर्टर भी हुआ है, तो साइलेंसर वाले पार्ट में हुआ है और अंडरबेली चेंज हुआ है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। गाड़ी के पावर ऑन फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं है। 199cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि पावरपुट निकालता है ऑलमोस्ट 25 BHP का पावरपुट है, 10,000 RPM है जो टॉर्क आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है, दैट इज 19.2 Nm का टॉर्क एट द रेट 8,000 RPM। इसमें आपको मिलता है 6-speed गियरबॉक्स। काफी लोग पूछ रहे थे इस गाड़ी से रिलेटेड कि क्या इसमें क्विक शिफ्टर है, तो सो फ्रेंड्स क्विक शिफ्टर नहीं है, नॉर्मल जो शिफ्टिंग है वैसा ही दिया गया है। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, नहीं इसमें कोई इंक्रीजिंग नहीं किया गया है, सेम फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। फ्रिज की बात करूं तो ऑन एंड ऑन 33 से 38 के बीच में आता है, डिपेंड ऑन योर राइडिंग कंडीशन। ये तो बात होगी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि कुछ भी चेंजेस नहीं है। बात आती है गाड़ी के साइकिल पार्ट्स की, तो साइकिल पार्ट्स में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। सस्पेंशन ड्यूटी में वही आपको अपसाइड डाउन फॉग देखने को मिलता है और पीछे मिलता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। डिस्क ब्रेक की बात करूं तो फ्रंट में आपको मिलता है 300mm का डिस्क ब्रेक और पीछे ही मिलता है आपको डिस्क ब्रेक। डुअल चैनल ABS आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है और जो ABS है वो आपको बॉश कंपनी का मिलता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। दूसरी गाड़ियों में बॉश कंपनी के आपको ABS नहीं देखने को मिलता है, जो आपको KTM प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई KTM की जो गाड़ियों के प्राइस होते हैं थोड़े ज्यादा होते हैं दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में। मैं बात करूं टायर साइज और व्हील साइज की, तो वो भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। 17 इंच के व्हील्स देखने को मिलता है, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलता है और पीछे का आपको 150 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलता है, MRF का टायर है। मैं सीट हाइट की बात करूं इस गाड़ी की, तो हाँ थोड़ा है ज्यादा इसका, 835mm का आपको सीट हाइट देखने को मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 178mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी काफी अच्छी है, नए डिजाइन के साथ फीचर्स के साथ काफी अच्छी देखने को मिलती है। ये तो बात होगी गाड़ी के डिजाइन और साइकिल पार्ट्स और इंजन के बारे में। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपको जो BS4 से BS6 में आपको देखने को मिलता है 6,135 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ता है BS6 वाले मॉडल के लिए। तो इसका ऑन रोड प्राइस हो जाता है डेट इज 1.96 लाख, और अगर आप इसका RTO इंश्योरेंस और जोड़ देंगे तो 20% और जोड़ लीजिए, वो आपका ऑन रोड प्राइस निकल आएगा। सो फ्रेंड, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट KTM RC 200 BS6? अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी, तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है ना, इसको फॉलो करिए विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स अगर मैं मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट भी कुछ भी हो सकता है। टिल देन बाय एंड चाओ।